वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग बंगाली फिल्म यानी कि चेंगीज़ के बारे में, जिसके हिंदी टीज़र को जो है आज रिलीज़ किया गया है। तो सुपरस्टार जीत स्टारर ये फिल्म है, जिसको जो है 21 अप्रैल को जो है बंगाली भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज़ करवाया जाने वाला है। इसका बंगाली टीज़र काफ़ी पहले आ चुका था, मैंने तभी इसके टीज़र को देख लिया था और उसी वक्त टीज़र जो है मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा था। और आज जो है इसके हिंदी टीज़र को मैंने देखा और ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ कि बंगाली फिल्में जो लिमिटेड बजट के साथ है, उसे अगर ध्यान में रखते हुए इसे देखा जाए तो फिल्म का जो ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिल रहा है वो सही में बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरीके से 70s और 90s के एरा को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, सुपरस्टार जीत का जो लुक हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, सभी चीजें जो है काफी बेहतरीन नजर आ रही है। टीजर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन एडिटिंग हुई है, बहुत ही फास्ट पेस एडिटिंग के अंदर जो बैकग्राउंड में जो एक नरेशन दिया गया है, वॉइस ओवर दिया गया है, उसके बाद लास्ट में जीत का जो एक फाइनल डायलॉग हमें सुनने को है, ओवरऑल एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करने में ये टीजर कामयाब रहता है। टीजर में सुनाई दे रहा बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो है बहुत ही दमदार है। ओवरऑल कहा जाए तो टीजर जो है अपने लेवल पर बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। टीजर देखने के बाद जब मुझे पता चला कि फिल्म की स्टोरी को जो है यहां पर राजेश गांगुली और नीरज पांडे ने मिलकर लिखी है तो मेरी एक्साइटमेंट जो है और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि नीरज पांडे की फिल्में, उनकी कहानियां, उनका डायरेक्शन किस तरीके का होता है उसे बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो डेफिनेटली यहां पर हम एक दमदार स्टोरी की उम्मीद जो है वो भी रख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें हिंदी टीजर की तो यहां पर जीत दा ने अपने लिए खुद डब किया है और ऑनेस्टली बहुत ही बेहतरीन डबिंग जो है उन्होंने की हुई है। उनकी हिंदी डायलॉग डिलीवरी जो है काफी परफेक्ट है, काफी दमदार और काफी इंपैक्टफुल नजर आ रही है। और लास्ट डायलॉग आप बंगाली में सुनोगे जो इंपैक्ट है, सेम इंपैक्ट जो है हिंदी वर्जन के अंदर भी नजर आ रहा है। आज के समय में अगर किसी इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमर्शियल फिल्में, और अगर ये फिल्म कमर्शियल लेवल पर अच्छा परफॉर्म करती है तो आने वाले समय में हमें बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा भी जो है और अच्छी फिल्में देखने को जरूर मिलेगी। तो मैं तो पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इस फिल्म को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि इसके ट्रेलर को मेकर्स जल्द से जल्द रिलीज करें और ट्रेलर जो है टीजर से 10 गुना ज्यादा धमाकेदार आए। वैसे आपको फिल्म का टीजर ओवरऑल कैसा लगा और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस फिल्म को देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।